झाड़ू मैया लीवाला जी भाई लिखे देखा ठाकी बेटी पिताजी जन्म दुखियारी दुख में दुखड़ो पड़ियो पिता सुन लो या तो तारोड़ी बेटी हो पिता जन्म दुखियारी बालक जन्मियो माज मो चावी बाबोरा पिताजी या तो थाने मालूम है सब देरानी जेठानी सती होगी या भी थाने मालूम है आपकी बेटी अकेली बची जनकी गोद का लाल ने कोई रान के राजा मारबो चावे स्वयं पधारो और मने लेकर के आप पधारो नहीं तुम्हारा भाई और के भेजो बाकी मने लेकर के जाओ जय हो टप 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 आंसू टपके नैना बरसे नीर रूठ गयो किरतार रूठियो दीना नाथ उजड़ होगी नगरी या में बचिया ना कोई आप अगर ले बांधिया वो दुख की समय में तो फिर कौन आसन जय हो साडू मैया पत्र लिखी शांडीमान का हाथ में दियो शांडीमान मां से रवाना हुई ध्यान दीजिएगा शांडीमान जब उज्जैन में आया साडू का पिताजी के पास में शांडीमान वाले कहवे जो ऊंट की सवारी करी लेकर के पत्र उज्जैन नगर में पहुंचा साडू के पिताजी ने पत्र पढ़ियो
पत्र पढ़ते ही बराबर पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। विचार किया हमारा बेटा है आमा निमा, ये तो नहीं जा सकेगा, बाकी निमाड़ी क्षेत्र भीलों में पत्र लिखूं। सालामाला भील के पास में पत्र लिखा, निमाड़ के सालामाला भील, आप आपकी फौज लेकर के आना, तीर कमान लेकर के आना, और मेरी बेटी को मेवाड़ की धरा से मध्य मालवा उज्जैन नगर में लाना। महाराज सालामाला भील में वो पत्र पढ़ियो और वो वहां से चल दिए कि दूधा खटाना जी का आदेश है और उनका आदेश का पालन करना हमारा परम धर्म है। जय हो। चल दिए। इधर माता साडू के पास में वो मालवा से मेवाड़ जा रहे हैं, तब तक देर तो लगे। साडू मैया ने विचार करियो कि अपना ग्वाल है, ग्वाल से कही। साडू मैया कहने लगी, राणा जी ने फौज बनाई देव ने मारवा कारण, सगड़ी गाया साथ में लई ले सुन ले ना पागवाल। ना पागवाल कहने लगा, माँ मैं आपके साथ में नहीं चल सकता, क्यों? अब का साल में ताकी गया मैं छोटा बाच झूला। अरे ओ माँ, अब का साल में ताकी गया मैं छोटा बाच झूला, गाया तो चल जावे मालवे बाचरू चलिया जा। माँ मैं नहीं चल सकता। साडू मैया के बालाजी महाराज सुख के सब साथी दुख में ना को, और जो दुख में साथ देता है वो मित्र परमात्मा की स्वरूप। ग्वाल ने सती की बात को अनसुनी कह करके महल से बाहर निकल गए। साडू मैया ने विचार करियो, ग्वाल नहीं जा रिया तो कहीं होगी, एक और धरोहर है बगड़ावत बारा की जिसका नाम है छछु भाड़जी। साडू मैया छछु भाड़जी के पास पहुंची, रोज तो भाड़जी बगड़ावत बारा में सती साडू के नम नम धोक लागे तो पगे लागे तो, बाकी एक समय ऐसा आया कि साडू माता के हाथ जोड़ना पड़िया। वो सती कहने लगी कि राणा जी ने फौज सजाई रे बाबा, भाटजी मारा देव नारायण मारबा के कारण आज आप पियर मारबा में पधारो और मारी गोदी का लाल ने बचाई दो। आज छछु भाटजी कहने लगा, 80 वर्ष की उम्र है माता मारी, शीश पे आगी सफेदी, मुख में नहीं है बत्तीसी दांत, अगर बुढ़ापा में मार से अथरो लंबो नहीं चलाए, क्योंकि इतनी रीस अगर थारा मन में आ रही है तो थारे दूसरों छछु भाट बना ले, बाकी अणी भाट जैसे तो नहीं बना। जय हो। साडू मैया के बालाजी, बाबा इसी मुसीबत में अगर आप मेरा साथ नहीं दोगे तो फिर कब दोगे? छछु भाटजी ने मना कर दिया, नहीं माँ मैं आपके साथ में नहीं चल सकता। साडू मैया बोली, घणो माल धन खायो एना घरे, नितरे तो लाल गुलाल, अब दुश्मन पीछे पड़िया और तोको दैरियो मुसीबत के माय। जय हो। छछु भाटजी की भी थोड़ा सा क्रोध आया, माँ मैंने एक बार बोल दिया कि मैं आपके साथ नहीं चल सकता तो नहीं जाऊंगा, भले कहीं भी हो जाए नहीं चालू। साडू मैया के बालाजी, सब बगड़ा वतरण में खब गया रे बाबा, और त्वणी गोठा में जिंदो रे गयो, ए मारा बेरी मोड़ा नगर तू भी खब जा दो तो थारे आज या बाद के बा में नियाती नियाती तू क्यों नहीं खपियो? सचु भाटजी के भी तन बदन में आग होगी। साडू मैया के
कि बालाजी साडू जी मैं आपके साथ नहीं चलूंगा और आप मेरा मान घटा रही हो। मैं बोल रहा हूँ मेरे को मेरे नाना बाकी वहाँ नागौर सुसनेरी जाना है, वहाँ से मेरे लिए पत्र आया है, अब मैं आपके साथ में नहीं चल सकता। और बाकी आप मुझे ऐसी एडी टेढ़ी बात कह रही हो तो आपने बिना पति के पुत्र जाया सवाई भौज के नाम पे कलंक लगाया है। की गोद में भगवान पारी ब्रह्म परमात्मा ने स्वयं विष्णु भगवान ने कमल पुष्प में अवतार लिया, उन्हीं साधु मैयाएं भी उन्हीं बाड़जी ने केदी बाड़जी के पक्की मालूम कि ये फूल कमल अवतार है, बाकी के बाड़ा को मुंडो नहीं पकड़ा। जय हो बाबा भाड़ ने कह दिया बिना पति के पुत्र जाया सवाई भोज के दाग लगाया। सती तो मैं उनको मानता हूँ साडू जी जो अपने अपने पति के साथ में बड़ झड़ करके भस्म हो गई थे, सती नहीं हो साडू जी। हाय हाय इत्री के तापा तो साफ साडू मैया के कलेजा में तीर लागिया जाने, नौकरी को क्रोध आया, गौ माता के गोबर को ठोकर मारी, जेका नारियल बन गया। सती ने विचार करियो कि आज मारा वंश का बाड़जी ऐसा बोल बोल दिया तो कल मैं पियर जाऊंगी, भाई तो मेरे हैं, बाकी भौजाई पराई ना रहे। भैया ने कुछ नहीं कहा, बाकी भौजाई गया बना नहीं मानेगा। साडू मैया गुजरी उसी समय गौ माता का गोबर की ठोकर मारी, जेका नारियल श्री फल बन गया, उन्हें गोद में लिया, विचार किया कि अब रहना उचित नहीं है क्योंकि वंश के बाट रहे ऐसे बोल बोल दिए तो सती हो जाना ठीक रहेगा। जय हो खारी नदी के तट पे सती जावे और जाकर के नापाक वाले के लिए मेहरवान की ग्वाल खेड़ी अभी बादल जोरदार तालियां। सत्यनारायण भगवान की जय। साडू मैया की जय हो। नंदखारी के ढाबे सची साडू पहुंची और नापा ग्वाल से के बाला जी हरिया बाग से साडू मैया के लिए नापा हरिया बाग से चंदन कटा ले, पूरी चीता चुन देखा री का किनारा पे Oh,
गले जा तेरे बाबा मारे लागया गले जा चंदन कटा चीता चंदन खारी के डाबे चचुवाड़ ने बोल बोलिया हो गया जिगर के पार। ग्वाल ने विचार किया ये सती है और सती के जब सर से चढ़ गयो और अब अपन चीता चढ़ने से मना करांगा तो ये श्राप दे 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 और सती अगर मुख से यूं कही दे कि बेरी तू भस्म हो जा तो अपन भस्म हो सके इसलिए इस समय पे इनसे मना करना उचित नहीं रहेगा। नापाक वाल ने चीता चुनेल तैयार करी साडू मैया सती होने के लिए जब पहुंची तो सब लोग बाग ने विचार करियो कि 23 गुजरी सती होती तो अपन ने सही साठ नहीं देखी थी बाकी ये साडू जी आज सती हो रही रे देखा तो सही कसा सती वे आसपास लोग बाग हो गया साडू मैया जब सती हो बागे